Hello students, today's video lecture is based on class 12 physics, that is lecture 4 of chapter life. Okay, so in previous video lecture we have discussed about the formula for the concave mirror, and today we will start to derivate the formula for the convex mirror. Now we are going to take the formula for convex mirror. Formula for convex mirror. Okay, so यहाँ पर हम लोग जो है वो find out करेंगे convex mirror के लिए formula, that will be the focal length. And suppose that this is the convex mirror, and then the polishing in inside, and then it will form and work as convex mirror. Okay, so I am taking here the axis of this mirror. This is the axis of that mirror, that is the convex mirror. Okay, so in this case, there is the pole of that mirror, that is P, and an object is in front of the convex mirror, and let the object is O dash. Clear that? And take that. Here is the focus of the mirror, and just double distance there will be the center of curvature C. Clear? And if any ray of light goes parallel to the principal axis, then it will be reflected towards the focus, and you can say it can be seen that it will be goes to the focus like this. Okay, so इसको अगर फ्रंट में अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा इसका पास होगा, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होगी वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए बैक आती है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं ये रे डायग्राम है जो कि पास हो रही है सपोज दैट ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, तो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास हो रही है, तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए बैक आएगी. सो दैट इज द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. At that point where two reflected rays are intersect to each other, that is this point, there will be image. So suppose that this is the image. Okay, and take it as I dash. Clear? And draw a perpendicular. At that point, suppose that this point is M and this point is N. Okay? So, यहाँ पर हमारे पास something points हैं जिसको हम लोग use करेंगे. Clear that? So, यहाँ पर formula को derive करने के लिए हम लोग यहाँ पर triangles ले सकते हैं O dash C and I dash C. यहाँ पर two triangles हैं. अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं इन ट्रेंगल O dash C, ये O dash C and ट्रेंगल I dash C because these triangles are similar, but why? This angle is 90 degree, also this angle is 90 degree and this angle is common, so we can say that
these are the similar triangles. So by the criteria of similarity यहां पर इनके साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए. तो करेस्पोंडिंग साइड का रेशियो, दैट मींस ओ ओ डैश का रेशियो किसके साथ ले सकते हैं, आई आई डैश से. सो ओ ओ डैश डिवाइड बाय आई आई डैश, दैट्स इक्वल टू, यहां पर ये ग्रेटर ट्रायंगल क्या है, ओसी है. तो यहां पर ओसी और अपान में ये कितना हो जाएगा, आईसी. तो ये सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ in next triangle, suppose that there is a very small gate of that mirror. कहने का मतलब ये मिरर हमने ऐसा सपोज किया क्योंकि स्मॉल है, then इस कंडीशन में ये जो n पॉइंट है वो कहां पर आ जाएगा, p पॉइंट पर. if mirror is very small, mirror is very small, then इस कंडीशन में एफ एन पी की जो वैल्यू होगी, एफ से लेकर पी तक वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी किसके, एफ एन के. मतलब हम ऐसा सपोज कर लेंगे कि एन पॉइंट कहां आ जाएगा, पी पर, क्योंकि उस समय मिरर को जितना स्मॉल लेंगे जितना छोटा लेंगे एन पॉइंट ये किसी तक चला जाता है पी पर. देन यहां पर आपके पास पी एफ जो है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ एन के. So, यहां पर हम लोग ट्रायंगल्स लेके जा रहे हैं, आपके पास देखना ध्यान से, एम एन एफ, सेकंड ट्रायंगल कौन सा होगा, आई आई डैश एफ. ये दोनों देखेंगे अगर आप तो ये वाले ट्रायंगल ऐसे बनेंगे. क्या आप समझ पा रहे हैं, ये एम एन एफ एंड आई आई डैश एफ. ओके, इन ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ, क्लियर. सो यहां पर हमारे पास जो कंडीशन है इन दोनों को लेकर चलेंगे, तो एम एन का जो रेशियो है किसके साथ लेंगे, आई आई डैश का. तो ये हो गया एम एन और अपान में कितना, आई आई डैश, दैट्स इक्वल टू हम यहां पर ले सकते हैं एफ एन और रेशियो किसके साथ, आई एफ के साथ. ये हो गया एफ एन और अपान में कितना, आई एफ. बट यहां पर अगर आप देखेंगे एम एन जो है एम एन बिल्कुल इक्वल होगा किसके, ओ ओ डैश, बिकॉज ये पैरेलल लाइन है. सो ये हमारे पास ओ ओ डैश के प्लेस, ये एम एन के प्लेस पर ओ ओ डैश लिखकर राइट इट है, एंड ओ ओ डैश अपान आई आई डैश दैट इक्वल टू एफ एन और अपान में कितना, आई एफ. दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can see here OC, left hand side of both equations are equal, then right hand side will be also equal. So right here from equation first and second, so यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा OC upon IC, that's equal to here is the FN upon में कितना, IF, clear. So, ये हमारे पास अभी एक रेशियो मिला है. यहां पर याद रखना OC जो है O to C, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं OP plus CP. In place of OC, we can write OP and plus CP and divide by IC. IC is here. So, we can write it as CP is here and minus IP. Okay? So, इसको क्या राइट कर सकते हैं, सी पी माइनस आई पी दैट इज इक्वल टू एफ एन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ पी अपान एंड हियर इज द नेक्स्ट आई एफ, आई एफ इज दिस. सो पी एफ माइनस आई पी, पी एफ या फिर एफ पी माइनस आई पी. ओके, ऐसा हम राइट कर सकते हैं. दैट मींस ये आई एफ जो है यहाँ है, इस आई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये पी एफ की वैल्यू या एफ पी की वैल्यू में से ये आई पी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, वही आइडिया.
So and next OP, यहाँ से O to P क्या है? OP that's equal to minus U because this is the object distance. And next is FP that's equal to this is the focal length and it will be plus F. And next PC या we can write CP. CP that's equal to 2F. Okay? और वो भी प्लस होगा बिकॉज ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो फोकस का जस्ट डबल होता है. सो यहां पर मैंने लिखा है 2F. एंड नेक्स्ट इज यहां पर हो गया PF हो गया OP हो गया एंड CP हो गया एंड IP की जो वैल्यू है वो हमारे पास है इमेज का. सो राइट हियर IP दैट्स इक्वल टू दैट विल बी प्लस V. ओके and these are the positive and only U is the negative because U in left side and all other terms are in right side, so that will be positive. So these values can be put in equation third by putting all values in equation third. थर्ड इक्वेशन में हम लोग जो भी वैल्यूज है उसको पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है. सो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो मिल जाएगा. इक्वेशन थर्ड यहां पर है. ओके इसी इक्वेशन थर्ड में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे. सो इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है ये इन प्लेस ऑफ ओपी वी कैन राइट माइनस यू एंड ये अंदर पॉजिटिव साइन सो टेक पॉजिटिव एट सीपी. सीपी इज 2l. So right here 2L divided by CP. In place of CP we can write 2L. And then the negative side and right here IP. So minus V that's equal to FP. FP means that is the focal length. And divided by FP minus IP. FP is focal length and minus IP is the distance of image. So we can write it as. Now we can solve that term. So here will be minus u plus 2f divided by 2f minus v that's equal to here is the f upon f minus v. Okay? इसी term को हमने यहाँ पर write किया है और इसको हम लोग अब solve करते हैं. ओके सो यहां पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इसको यहां पर करेंगे तो क्या माइनस u इनटू f एंड देयर विल बी प्लस 2f स्क्वायर एंड नाउ टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ v बाय दिस टर्म्स. सो माइनस एंड माइनस देयर विल बी प्लस u इनटू v एंड देयर विल बी माइनस 2fv दैट्स इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस टर्म्स. So there will be 2f square and there is a minus to take minus f into v. Okay? And 2f square can be cancelled and there will be minus uf like this and plus u into v and minus 2fv and that's equal to minus fv. Take this here in left side and all the terms take in right side. So there will be u into v that's equal to there will be negative but in right side this will become positive 2fv minus fv and this will be also positive that's u into f. Okay? So yahan par hame mil jayega u into v that's equal to that will be f into v and plus u into f. Clear that? So we can divide it by u v f. On dividing both side by u v f, then it will be u v divided by u v f equals to
F into V divided by U V F plus U into F divided by U V F. Then here will be 1 upon F, that's equal to, here is the 1 upon U, and plus that's the 1 upon V. We can write this term. And the answer is 1 upon F, that's equal to 1 upon V and plus 1 upon U. That is the final answer of the derivation. So, यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि यही फॉर्मूला बिल्कुल कॉनकेव मिरर के लिए भी था और सेम फॉर्मूला किसके लिए है, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो फॉर्मूले में नो चेंज है, फॉर्मूला वही फोकल लेंथ का यूज होगा जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर का होगा, वही किसका होगा, कॉनकेव मिरर का। बट यहाँ पर साइन कन्वेंशन हमारे पास अलग अलग होगा क्योंकि वहां पर इमेज जो है वो लेफ्ट साइड बना था इन केस, और यहाँ पर क्या बना है राइट साइड। तो समथिंग वेल, ऐसा नहीं है कि कॉनकेव मिरर में हमारे पास लेफ्ट में कभी राइट में कभी इमेज बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर एक केस है ऐसे जिसमें कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बना है और यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज ही है। ओके, सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, और ये डेरिवेशन किसके लिए है, कन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, एक न्यू टॉपिक होगा हमारे पास जो कि होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। ओके, सो थैंक यू।